हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विथ रीजन के साथ। ये हमारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है। ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है एबीसीडी इज द पैरलोग्राम, ठीक है। एबीसीडी हमारा क्या है? पैरलोग्राम। इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो देखो यहाँ पर एक पैरलोग्राम हमारे पास है, ठीक है। पैरलोग्राम्स अगर मान लो ये दे रखा है, मैं पैरलोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अगर मान लो किसी भी पैरलोग्राम को डायगोनल को इक्वल कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। सिंपल सी बात है, अगर डायगोनल मतलब किसी भी पैरलोग्राम का अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड वी नो दैट रेक्टेंगल के एक रेक्टेंगल के ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो मतलब हमें ए बी सी बताना है, तो ए बी सी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई है? तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रीजन लिख देंगे, इफ इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल देन इट बिकम अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ये लिख लेंगे स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज बिकम अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि हमें रीजन भी देना है स्टूडेंट, सबका हमें रीजन भी देना है कि वो 90 डिग्री क्यों है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। मतलब रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, तो रोम्बस हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रोम्बस हमने बना लिया ए बी सी डी, ठीक है, और ये हमारे डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होते ही है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। देखो डायगोनल्स ए सी नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी होगा, क्यों? क्योंकि मतलब जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल नहीं होते। अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो डायगोनल्स के रोम्बस, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट में दिस स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? इसका रीजन लिख लेंगे, दिस बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, इतनी बात समझ। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बट नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बट नॉट इक्वल, ठीक है। सपोज करो डायगोनल इक्वल हो गए, इफ डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या लिखना है स्टूडेंट। क्लियर है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोला? थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द पैरेलल इक्वल है, मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, एंगल थ्री एंगल्स इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम, वाई आर एंड वाई नॉट, मतलब क्यों ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, मतलब कोई भी एक एंगल इक्वल प्रूव है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करो हमने वो बोला पैरेललोग्राम बोल रखा है, तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है,
तो पैरलोग्राम बोला है तो पैरलोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। सपोज करो उन्होंने बोला है थ्री एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल इक्वल, थ्री एंगल्स इक्वल है, कोई भी थ्री एंगल देख ले, एंगल ए इक्वल टू हमने 70 डिग्री मान लिया, एंगल बी भी कितना हमने मान लिया 70 डिग्री मान लिया, एंगल सी भी कितना मान लिया 70 डिग्री मान लिया, तीनों एंगल, क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है थ्री एंगल्स आर इक्वल दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सी एंड डी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी मतलब तीनों एंगल इक्वल दे रखा है, मतलब थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ये कितना मिलेगा 210 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 210, तो ये कितना हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू 150 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं मतलब जो भी पैरलोग्राम होता है जस्ट उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होना चाहिए, मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड पैरलोग्राम आर इक्वल। तो देखो सी और ए तो इक्वल है, देखो सी और ए तो इक्वल है 70 है, बट एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल डी है, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 70 है और ये क्या है 70 नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 150, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो लास्ट में हमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इट नीड नॉट बी अ पैरलोग्राम, क्यों, इट देखो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इट नीड नॉट बी अ पैरलोग्राम, इट नीड नॉट बी अ पैरलोग्राम, पैरलोग्राम, ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरलोग्राम के दे रखा है, बिकॉज वी मे हैव, बिकॉज बिकॉज वी मे हैव क्या रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना है 70 डिग्री है, एंड एंगल डी, एंगल डी कितना है 150 डिग्री है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी मैं, बट हियर एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल डी है, क्यों, क्योंकि हमने देखो अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम क्या होता है इक्वल होता है, ये रीजन हम शॉर्टकट में दे सकते हैं, ठीक है। आई बस और भी इससे अलावा जो स्टेटमेंट में लिखना है आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पैरलोग्राम नहीं होगा, ठीक है, रीजन भी आपको पता दिया कि पैरलोग्राम के जस्ट अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर इट नीड नॉट बी अ पैरलोग्राम, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा फोर्थ क्वेश्चन, डायगोनल, देखो डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ओ ए ओ सी 3:2 में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो जिसमें मतलब कोई भी क्वाड बोल रखा है ए बी सी डी क्या पैरलोग्राम होगा, तो पहले हम पैरलोग्राम बना लेते हैं, तो देखो एक हमने पैरलोग्राम बना लिया, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ठीक है, अब ये दे रखा हमारे पास दिस वन, और जो डायगोनल हो है ये देखो, तो हमें पता है स्टूडेंट वी नो दैट डायगोनल और पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा इक्वल होगा, मतलब ये दे रखा है दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है, दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है, बट यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है ए ओ डिवाइड बाई मतलब ए ओ रेशियो ओ सी दे रखा, मतलब 3:2 दे रखा है, अगर ये रेशियो इक्वल है 3:2 नहीं होगा, मतलब कोई भी रेशियो इक्वल होगा, अगर मान लो ए ओ डिवाइड बाई ओ मतलब रेशियो ये 3:3 होता है, 2:2 होता है, 1:1 होता है, तब हम मानते हैं कि मतलब ये ठीक है, बट यहाँ पर 3:2 दे रखा है, क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरलोग्राम जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर तो होता है, मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट अ पैरलोग्राम, नॉट अ पैरलोग्राम, ठीक है, पैरलोग्राम, ठीक है, क्यों, रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर रेशियो बार 3:2 दे रखा, इसलिए क्या होगा पैरलोग्राम नहीं होगा, क्लियर है स्टूडेंट, चाहे पैरलोग्राम होता चाहे रेक्टेंगल होता चाहे तुम्हारा रोम्बस होता चाहे स्क्वायर होता, सबके रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, मतलब चारों केस में
बाइसेक टीचर नहीं होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है? एक हम पैरेललोग्राम बना लेंगे एबीसीडी, ठीक है? एबीसीडी हमारे पास पैरेललोग्राम है, सपोज करो एबीसीडी, ठीक है? अब यहाँ पे दे रखा है, वी नो दैट हमारे पास ये तो हमें पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होता है, मतलब AO इक्वल टू OC होगा, ठीक है? एंड BO इक्वल टू OD होगा, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है? तो देखो AO कितना दे रखा है, AO इक्वल टू हमारे पास 3 दे रखा है, एंड OD कितना दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, तो AO 3 दे रखा है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी हमारे पास यूनिट है। OD कितना दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ AC बोल रखा है, तो देखो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना होगा AO प्लस OC, ठीक है? तो दोनों का सम ही होगा, और दोनों की लेंथ कितनी है, इक्वल है, तो 3 प्लस 3, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड BD कितना हो जाएगा हमारे पास, BD इक्वल टू क्या होगा, BO प्लस OD, तो BO कितना हमारे पास, देखो BO कितना है, BO OD दोनों इक्वल है, ठीक है? तो 2 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड BD, तो लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड BD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन 6 सेंटीमीटर एंड BD की लेंथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? देखो सेकंड के बारे में बात करेंगे, ये यहाँ पर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.2 है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, ये बोल रखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब बोल रखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव योर रीजन। नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है? दो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो केवल परपेंडिकुलर किस में होता है, रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है। अगर मान लो यहीं पर रोम्बस होता, ठीक है, सपोज करो यह हमारा रोम्बस होता, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको बस इतना ही लिखना है, इसका स्टेटमेंट इतना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, बट किस में होते हैं, रोम्बस में होता है, ए बी सी डी, अगर मान लो ये रोम्बस होता है तो इसमें जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर होते हैं, ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, और ये 90 डिग्री होता है, और किस में होता है, ये रोम्बस में होता है, रोम्बस में होता है और स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है, कि जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, एंड दिस वन ये हो जाएगा, ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इतनी बात समझ, ये स्क्वायर हो गया, तो दो ही में होते हैं, एक रोम्बस में होता है, एक स्क्वायर में होता है, तो जो डायगोनल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रोम्बस और
रोमबस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, इसके स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी होता है, एंड जो रोमबस के डायगोनल होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। और क्या डिफरेंस है, ये ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, थीके? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो बस आपको रीजन में इतना ही लिखना होगा स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया रीजन, फाइनल आंसर इसका आपका ये है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, तो यही आपका फाइनल है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, कैन द एंगल 110 80 70 95 बी द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वाई और वाई नॉट, ठीक है, ये बोल रखा है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होंगे, तो पहले इन सबका एंगल, अगर मान लो यही क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसको ए मान लिया, ये बी मान लिया, एंगल सी मान लिया, एंगल डी मान लिया, ठीक है, इतनी में सबका सम कर लेते हैं। अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी दे रखा है, ठीक है, ए बी और सी दे रखा है, तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो पहले इसका हम सम कर लेते हैं, ठीक है, सम करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 95 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80, देखो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 355 डिग्री आएगा, देखो सबका सम करके देखिए, 355 डिग्री आ रहा है, 355 डिग्री आ रहा है, बट हमें पता है, इसको हम इक्वेशन वन मान ले, ठीक है, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इतनी बात समझ में आई, मतलब हमारे पास, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, बट इसको इक्वेशन टू मान लिया, तो फ्रॉम यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, बट हियर एंगल सम ऑफ ऑल एंगल, बट हियर सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 355 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दीज एंगल्स तो फाइनली हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दीज एंगल्स कैन नॉट बी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मतलब यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बट इनका सम कितना आ रहा है, 355 डिग्री आ रहा है, तो हम कह सकते हैं therefore these angles cannot be angle of quadrilateral, clear student, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है student, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है student, okay, thank you।